आदाब पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2019 लोकसभा चुनाव में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, तो वहीं 542 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिनमें तीन चरणों में 302 सीटों पर मतदान डाले जा चुके हैं और इन 302 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद ही खराब देखने को मिल रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार पर आकर के सारी राजनीति मानो ठहर सी गई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 27 सीटों पर गठबंधन के चुनाव हुए हैं, वहां पर 21 से 22 सीटों पर गठबंधन की मजबूत स्थिति देखने को मिल रही है और गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। तो वहीं बिहार में भी गठबंधन का बोलबाला देखने को मिल रहा है, पर बिहार की एक सीट पर आकर के राजनीति मानो ठहर सी गई है। हम लगातार देख रहे हैं कि बेगूसराय में सारे मीडिया, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, उन्होंने अपना तंबू और बंबू वहीं गाड़ दिया है कि मानो बिहार की राजनीति या देश की राजनीति सिर्फ बेगूसराय से ही तय होगी और इतना हाइप देने पर लगे हुए हैं कि मानो बेगूसराय की सीट अगर नहीं होती तो इस बार देश में चुनाव टल जाते। और बेगूसराय पर सबकी नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है, जहां आरजेडी से तनवीर हसन चुनावी मैदान में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता और हमेशा मुसलमानों को गाली देने वाले गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं बीते कुछ सालों में एक नाम ऐसा चमका जो कन्हैया कुमार का था और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार जेएनयू के स्टूडेंट के साथ किया है, वो हम लोगों के सामने जग जाहिर है। तो वहीं कन्हैया कुमार अब बेगूसराय से सीपीआई की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार कन्हैया कुमार को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है और हर कोई उनकी आलोचना भी कर रहा है, तो वहीं कई लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं इस कदम की। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से कन्हैया कुमार का वायरल हो रहा है, जिसे लेकर के हर कोई अब कन्हैया कुमार के ऊपर सवाल दाग रहा है कि आखिरकार कन्हैया कुमार इतने एहसान फरामोश कहां से हो गए। और मुसलमानों में एक खास करके रोष कन्हैया कुमार के खिलाफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए कन्हैया कुमार को साफ तौर पर देखा जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और सोशल एक्टिविस्ट जो मुस्लिम हैं वो अब कन्हैया कुमार को आड़े हाथ लेने लगे हैं। तो चलिए आखिरकार जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बिहार हमेशा से पिछड़ों दलितों की राजनीति का मरकज रहा है। बिहार की राजनीति में ब्राह्मणवादी ताकतें हमेशा से हाशिए पर रही हैं। बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों का हमेशा से दबदबा रहा है और बिहार की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों पर नीतीश कुमार, लालू यादव, साधु यादव, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और शरद यादव, सुशील मोदी, रामविलास पासवान, मुकेश सहनी जैसे पिछड़ों और दलितों का दबदबा रहा है। भूमिहार ब्राह्मण अब रंग दिखाया है अपना, वो जो लौंडे तीन चार नामों वाली फहरिस्त चला रहे थे कि कोई हारे या जीते फला भाई फला भाई फला भाई और कन्हैया कुमार का संसद जाना ज़रूरी है, वो अब ज़रा अपने ख्यालात जाहिर करें। हमेशा कहता रहा हूँ कि मुसलमानों, राजनीति दिल और भावना से नहीं, दिमाग से करो। दूसरे यूज़र मोहम्मद कामिल का कहना है कि प्रवीण तोगड़िया को ओवैसी साहब से कंपेयर करना कन्हैया तुम्हारी मानसिकता बयां करता है। माना तुम डॉक्टर की डिग्री लेकर घूमते हो तो हमारा लीडर भी बैरिस्टर है। लोकसभा का चुनाव क्या लड़ रहे हो, खुद को बड़का वाला सेकुलर समझने लगे हो। और सुनो कन्हैया, तुमने डफली बजाने के अलावा किया क्या है।
राजनीति नफरत की तो तुम भी करते हो जैसे बीजेपी वाले करते हैं। वहीं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अतीक अतारी लिखते हैं कि कन्हैया कुमार एहसान फरामोश है और आरोप लगाया है कि ओवैसी ने संसद में कन्हैया के लिए आवाज़ उठाई है। एक और यूज़र नईम अख्तर ने पूछा है, कन्हैया ने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कर दिया है जो आज संसद रत्न असदुद्दीन ओवैसी को मानवता का दुश्मन बताया जा रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मुशीर गांधी ने कहा है कि अब कन्हैया को हार का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कन्हैया एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी की तुलना तोगड़िया से कर देते हैं और इन्हें धर्मरक्षक मानवता का दुश्मन बताते हैं। अब लोग अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कन्हैया कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कब मानवता की हत्या की, ओवैसी ने कब तोगड़िया की तरह बाबरी शहीद करने और मंदिर बनाने की मुहिम चलाई, ओवैसी ने कब देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने और मारने काटने की बात की। दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बहुत पहले असदुद्दीन ओवैसी कन्हैया कुमार के साथ इंसाफ के लिए संसद में गुहार लगाते देखे गए हैं। इस वीडियो को आड़े हाथ लेकर सोशल मीडिया यूजर कन्हैया को एहसान फरामोश बता रहे हैं। एक यूज़र का कहना है कि बेगूसराय वालों, ये भगवा और लाल वालों में ज़्यादा फर्क नहीं है। बेगूसराय से गठबंधन उम्मीदवार तनवीर हसन एक ईमानदार और सुलझे हुए नेता हैं, हमेशा हर वर्ग के लिए खड़े रहे हैं। तनवीर साहब को वोट कीजिए और बेगूसराय में लालटेन से ओंजरिया फैला दीजिए। सोशल मीडिया से एक यूज़र का कहना है कि मैं इस शख्स को कैसे अपना नेता मान लूं जो असदुद्दीन ओवैसी को मानवता का खून बहाने वाला कहता हो, मैं इस शख्स को कैसे अपना नेता मान लूं जो मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इंसानियत का दुश्मन कहता हो, मैं इस शख्स को कैसे अपना नेता मान लूं जो मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कंपैरिजन तोगड़िया जैसे इंसान से करता हो, मैं इस शख्स को कैसे अपना नेता मान लूं जो मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और तोगड़िया को एक समान समझता हो। खुदा के लिए मेरे भाई लोगों, समझो यह शख्स आप लोगों को भला नहीं कर सकता, यह खुद कांग्रेस की तरह आपके वोटों पर जीतकर इक्तदार के मज़े लेगा। इसके दिल में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। कन्हैया कुमार के इस बयान से लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लगता है कन्हैया को चुनाव में इस बयान को लेकर के भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप लोगों को बता दें कि जो सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार का वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है वो 15 जुलाई 2017 का बताया जा रहा है और उसी को लेकर के अब सोशल मीडिया पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों ने कन्हैया कुमार की जमकर खिंचाई करना शुरू कर दी है और इस वीडियो के वायरल होने से ये नज़र आ रहा है कि कन्हैया कुमार की मुश्किलें 2019 चुनाव में बेगूसराय की सीट पर बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कन्हैया कुमार ने किस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कंपैरिजन प्रवीण तोगड़िया से कर दिया। ये वही प्रवीण तोगड़िया है जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा करता था और ये बताने की कोशिश करता था कि मुसलमानों को खतरा, हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से है। और काफ़ी समय से जब तक नरेंद्र मोदी से दोस्ती रही तब तक अच्छे दिन प्रवीण तोगड़िया के चलते रहे और जब प्रवीण तोगड़िया ने नरेंद्र मोदी से सवाल करने शुरू करिए तो उनको उसी तरीके से बाहर निकाल फेंका जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है और मक्खी को निकाल करके फेंक दिया जाता है। अब प्रवीण तोगड़िया का चेहरा नफरत भरा हम लोगों को अच्छे तरह से मालूम है कि किस तरह से उन्होंने बरेली में दंगा कराने के लिए हिंदुओं के घर में त्रिशूल बांटे थे और एक फसाद पैदा करने की कोशिश की थी
और उसके बाद भी वो नहीं रुके, लगातार अपनी अभद्र भाषा से देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते रहे। उस प्रवीण तोगड़िया से कन्हैया कुमार ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कंपैरिजन कर दिया, जिसको लेकर के मुसलमानों में काफ़ी रोष है और काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मुसलमानों का सिर्फ एक ही सवाल है कि कन्हैया कुमार ने क्या सोच करके प्रवीण तोगड़िया से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तुलना कर दी। ये वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जब तुम जेल में बंद थे तो पार्लियामेंट में तुम्हारे लिए चीखे मार मार के हुक्मरानों के कान में दर्द करने वाले, ये वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनको तुम आज आंख दिखा रहे हो। भले ही ये वीडियो 2017 15 जुलाई का हो, इसको लेकर के अब लोग कन्हैया कुमार की खिंचाई करने पर लगे हुए हैं और कन्हैया कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। और कन्हैया कुमार का विरोध इसलिए भी हो रहा है, जब देश में सभी पार्टियों ने मुसलमानों को दरकिनार कर दिया हो, दलितों और मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना चाहती हो और मुसलमानों को इस तरह राजनीति से निकाल करके फेंक दिया हो गठबंधन के नाम पर, जहां किसी भी मुसलमानों को टिकट नहीं दी जा रही है, चाहे वो गठबंधन के कोई से भी स्टेट में सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, हर किसी से सवाल पूछे जा रहे हैं और एक नारा बीते कुछ सालों से लगातार बुलंद भी हो रहा है कि मुस्लिमों की लीडरशिप पार्लियामेंट में पहुंचनी चाहिए और अगर नहीं पहुंची तो मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार ये सरकार करती रहेगी। जब आरजेडी की तरफ से तनवीर हसन वहां उम्मीदवार घोषित थे तो कन्हैया कुमार को वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, ऐसा आरोप मुसलमान कन्हैया कुमार के ऊपर लगा रहे हैं। तो वही कन्हैया कुमार के समर्थकों का भी कहना है कि जब वहां पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को हराना आपका मकसद है तो तनवीर हसन को मैदान में क्यों उतारा गया। आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों तरफ से चल रहे हैं और इस जंग में कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो जाए, इस पर नजरें गिरिराज सिंह की बनी हुई है और लगातार मुसलमानों के खिलाफ वो भी जहर उगलने में बाज नहीं आ रहे हैं और हर कोई मुसलमानों का वोट लेना चाहता है पर मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी देना नहीं चाहता। तो ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।